हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस। ठीक है, तो इसके पहले हमने पैकिंग इन टू डायमेंशंस कवर किया था, उसमें हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखा। अब हमें देखना है पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो था जिसमें हमने लेयर बनाई थी ए ए ए टाइप लेयर, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर हम एक के ऊपर अगर एक रखते जाते हैं तो वहां पर एक सिंपल सा क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ए ए टाइप लेयर जो है वैसे ही सेकंड ए ए टाइप की लेयर अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर थर्ड लेयर अगर रखते हैं तो उससे एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, थ्री डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। लेकिन हेक्सागोनल के केस में क्या होता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं थ्री डायमेंशनली। ठीक है, तो उससे एक स्ट्रक्चर बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बनेगा और दूसरा जो अरेंजमेंट होता है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये दो तरीके से हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को थ्री डायमेंशनली अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि हमने देखा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, वहां पर ट्रायंगुलर वॉइड बनती है। एक लेयर में क्या बनेगी, ट्रायंगुलर वॉइड बनेगी। अगर हम वैसे ही दूसरी लेयर भी बना दें तो उसमें भी ट्रायंगुलर वॉइड बनेगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, हमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हमें मल्टीपल लेयर लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक लेयर के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, इस तरीके से मल्टीपल लेयर हमें रखना है। अगर हम लेयर के ऊपर लेयर्स को मल्टीपल अरेंज करते हैं तो उससे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब देखना यह है कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर किस तरीके से वहां पर रखी जाएगी जिससे इसका हेक्सागोनल और क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो आपको डार्क लाइन से बनाई गई है ये फर्स्ट लेयर है और डॉटेड लाइन से जो स्पीयर दिख रहे हैं वो सपोज सेकंड लेयर के। तो होता क्या है कि जैसे हम फर्स्ट लेयर पर सेकंड लेयर्स के स्पीयर्स रखते हैं तो एक तरीके से ऐसा अरेंजमेंट होता है कि सेकंड लेयर के जो स्पीयर्स है वो फर्स्ट लेयर के स्पीयर्स में बनी ट्रायंगुलर वॉइड को पूरी तरीके से कवर नहीं करते। ठीक है, मतलब कुछ ट्रायंगुलर वॉइड वहां पर कवर हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। ठीक है, और जो फर्स्ट लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड सेकंड लेयर के स्पीयर से कवर हो जाती है वहां पर एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ठीक है, जैसे कि इस पार्ट को देखो आप, ये और ये जो डार्क लाइन से स्पीयर बनाए हुए हैं ये फर्स्ट लेयर के हैं और इनके बीच में यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड है। लेकिन जैसे मैंने सेकंड लेयर रखा, सेकंड लेयर का स्पीयर जो आपको डॉटेड दिख रहा है ना, ये सेकंड लेयर का स्पीयर फर्स्ट लेयर से अंदर बनी हुई ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर रहा है। तो इसको अपन यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डार्क लाइन से बने हुए हैं स्पीयर्स ये फर्स्ट लेयर के होंगे, डॉटेड वाला स्पीयर सेकंड लेयर का होगा। तो सेकंड लेयर का स्पीयर फर्स्ट लेयर के अंदर बनी हुई ट्रायंगुलर वॉइड को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो जब सेकंड लेयर्स के स्पीयर फर्स्ट लेयर के स्पीयर्स में बनी ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करते हैं तो वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो वहां टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगी। तो जैसे कि इसमें भी हम दिखा सकते हैं, अगर इन चार स्पीयर्स के अगर हम सेंटर ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे कि मतलब ये होगा कि फर्स्ट लेयर का ये स्पीयर होगा, ये भी और ये भी, इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट लेयर के स्पीयर। ठीक है, तो इन फर्स्ट लेयर के स्पीयर पे जब हम फोर्थ लेयर सेकंड लेयर का स्पीयर लाएंगे तो कुछ यहाँ होगा, यानी हम इन स्पीयर्स के सेंटर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा और इसी वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे ही हम अगर मान लो कि यहां पर हमने ये देखा कि कुछ ट्रायंगुलर वॉइड जो है वो सेकंड लेयर से कवर नहीं हो रहा है, कुछ होते हैं जो कवर हो जाते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे, लेकिन जो कवर नहीं हो रहे हैं उस जगह में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड सेकंड लेयर के स्पीयर से अगर कवर नहीं होते हैं तो वहां पर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। जैसे कि इस डार्क लाइन से स्पीयर जो है वो मान लेते हैं कि फर्स्ट लेयर दैट इज ए लेयर और ये जो डॉटेड लाइन के स्पीयर हमने लिए हैं, ठीक है, ये जो स्पीयर हमने डॉटेड लाइन से लिया हुआ है ये सपोज मान लेते कि बी लेयर के हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए लेयर और ये हो गया उसके ऊपर का बी लेयर। ओके, तो ए लेयर पर जब हम बी लेयर वहां पुट अप करते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट लेयर में देखो यहां पर एक ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, फर्स्ट लेयर में ये ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है और सेकंड लेयर में भी यहां पर ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है। तो क्या होता है, एक लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड दूसरे लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड से ओवरलैप होता है तब वहां पर कुछ एम्प्टी स्पेस बची हुई रहती है, कुछ वॉइड फॉर्म होता है और इसी वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, ये पोर्शन कवर होगा, ये भी पोर्शन यहाँ पर कवर होगा, ठीक है, और ये भी कवर हो जाएगा, लेकिन जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है कि वो अभी तक कवर नहीं हुआ है तो वो जो एम्प्टी स्पेस होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखो, इट इज सीन दैट ऑल ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर इज नॉट कवर्ड। पहले लेयर में जो ट्रायंगुलर वॉइड बने हैं वो सेकंड लेयर के वजह से पूरी तरह से कवर्ड नहीं हुए, ठीक है। जो कवर्ड नहीं होंगे वो ऑक्टाहेड्रल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और जो कवर हुए हैं सेकंड स्पीयर, सेकंड लेयर के स्पीयर से फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड अगर कवर हो जाता है तो वहां टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। सो इफ द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर इज कवर्ड बाय द स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर, अगर वहां पर फर्स्ट लेयर के स्पीयर से, स्पीयर में बनी ट्रायंगुलर वॉइड सेकंड लेयर के स्पीयर से कवर हो जाती है, तो वहां पर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन बचे हुए हाफ ट्रायंगुलर वॉइड, हाफ तो कवर हो जाएंगे, लेकिन हाफ ट्रायंगुलर वॉइड जो सेकंड लेयर के स्पीयर से कवर्ड नहीं होंगे, वहां पर एम्प्टी स्पेस या वॉइड क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। सो द रिमेनिंग हाफ ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर। यहां क्या होगा, फर्स्ट लेयर में जो ट्रायंगुलर वॉइड बनी है वो ट्रायंगुलर वॉइड सेकंड लेयर के स्पीयर में बनी ट्रायंगुलर वॉइड से ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। सो triangular void in the first layer overlap with the triangular void in the second layer and then it form the octahedral void. तो वहाँ पर remaining half जो triangular void बचे हैं, जो cover नहीं हुए हैं, उन remaining half triangular void का, first layer का triangular void, ये क्या होता है, covered by the triangular void of second layer. यानी first layer के triangular void पे second layer की triangular void आएगी, लेकिन पूरी तरह से covered नहीं होगा, और वहाँ पर octahedral void या hole बनेगा, यहाँ पर एक octahedral hole forming हुआ या फिर octahedral void का formation होगा, totally cover नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो तरह की यहाँ पर empty space या void जो है वो form होता है, tetrahedral और octahedral, ठीक है। layer जो बनेगी वो कौन से types की बनेगी, यहाँ पर देखो A, ये second B, तो third layer आपको कैसे दिखाई दे रही है, थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर के जैसे अलाइन हुई है, तो इसको अपन वापस से ए बोलेंगे, और फोर्थ लेयर इज अलाइन विद द सेकंड लेयर, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द बी। तो यहां पर ए बी टाइप्स का अरेंजमेंट होगा, लेयर का ए बी बी टाइप्स का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। और यही अरेंजमेंट, जैसे कि लेयर के ऊपर हम लेयर, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे लेयर अगर रखते जाएंगे तो यहां पर एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसका हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, जिसमें सबसे पहले हमने देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन ए बी टाइप्स अरेंजमेंट, ठीक है। चलो, ये इसमें जो है पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, 74%, ठीक है, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन, उससे ज्यादा थ्री डायमेंशन में पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा वाइड स्पेस जो है वो कवर हो जाती है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है, 74%। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच स्पीयर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, यहां पर स्पीयर सराउंडेड होता है कुछ स्पीयर से, कुछ स्पीयर के कॉन्टेक्ट में होता है, उसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहां पर हर स्पीयर का सराउंडिंग या कॉन्टेक्ट में कितना स्पीयर दिखाई देता है, 12 स्पीयर दिखाई देते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर स्पीयर का देखा जाए हर स्पीयर का, तो कितना होगा, 12 होगा। इस 12 में से 6 जो स्पीयर रहेंगे वो उसी के लेयर में रहेंगे, यानी जिस लेयर का आपने स्पीयर लिया है उसी लेयर के स्पीयर का 6 स्पीयर के साथ में क्या होगा, कॉन्टेक्ट होगा उसी लेयर में, ठीक है। तो 6 नेबरिंग स्पीयर मिलेंगे, 3 स्पीयर्स उस लेयर के अबाव और 3 स्पीयर उसी लेयर के बिलो रहेंगे, यानी इस तरीके से हर एक स्पीयर यहां पर 12 स्पीयर से क्या है, कांटेक्ट में है, टच में है, और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाता है, 12 बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो, अगर इसको दिखाना चाहे तो इस तरह से दिखा सकते हो कि आप हेक्सागोनल निकाल लो, ठीक है, इस तरीके से, और ये मान लो कि हेक्सागोन जो बना है ये लेयर में है, ठीक है, तो यहां पर होंगे 6 एटम्स, ठीक है, कॉर्नर्स पे अगर हम हर एटम्स को दिखाएं तो ये हो जाएंगे 6 एटम, और ये 6 एटम किसी मिडल एटम से यहाँ पर क्या होगा, सराउंडेड होगा। तो ये एटम्स लेयर में 6 एटम्स के साथ में सराउंडेड है, ये एक ही लेयर है, एक ही लेयर में है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या एटम्स या स्पीयर, और 3 स्पीयर जो होंगे ये लेयर के अबाव, यानी इस लेयर के अबाव जो लेयर होगी उसमें 3 स्पीयर रहेंगे, ठीक है, और इस लेयर के बिलो जो लेयर होगी उसमें भी आपको यहां पर क्या मिलेंगे, 3 स्पीयर्स मिलेंगे, ठीक है, जो यहां इस सेंट्रल स्पीयर्स के कांटेक्ट में होंगे इस तरीके से। अब मान लो कि इससे ये लेयर को हम इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर रखते हैं,
और नीचे से उस ये लेयर उसको फिर कांटेक्ट में लाते हैं। तो ऊपर के तीन हो गए, नीचे के लेयर में तीन होंगे, और जो मिडल लेयर है उसमें स्पीयर छह अदर स्पीयर से क्या रहेगा, सराउंडेड रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। इसीलिए इस स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना बनेगा, यहाँ पर 12 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो सेंटर आपको स्पीयर दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर मिलेगा 12। अब इसमें कौन से मेटल्स होते हैं जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखाएंगे? एक तो मेटल सच एज मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम मेटल है या जिंक मेटल है जो हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ये जो पहला हुआ ये क्या है, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर्स में खास तौर से मैग्नीशियम या जिंक मेटल का स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हुआ एक वे जहां पर हम थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर। सेकंड जो है वो है क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें अरेंजमेंट एबीसी एबीसी टाइप्स का होता है। ठीक है, अब यहां पर कैसे, इसमें क्या होगा एक्चुअली, यहां पर देखो फर्स्ट सेकंड लेयर जो है उसके बाद थर्ड लेयर जो मिल रही है सी लेयर, ये फर्स्ट लेयर के साथ में मैच नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हो गया था, यहाँ पर थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर से मैच हुई थी, स्फीयर अलाइन हुए थे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर थर्ड लेयर जो है ये आपको फर्स्ट लेयर के साथ भी मैच होते हुए नहीं दिखाई देगी और सेकंड लेयर के साथ भी मैच होते हुए नहीं दिखाई देगी, मतलब वो अलाइन नहीं होगी। तो वहां पर एबीसी टाइप का लेयर अरेंजमेंट बनेगा। जैसे कि देखो, हाँ, फोर्थ लेयर जो है ये एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसे बनेगी, बट थर्ड लेयर ये ना फर्स्ट लेयर जैसा बनेगा ना सेकंड लेयर जैसा बनेगा। In this type, the second layer of sphere B is placed in the depression of first layer. जैसे first layer बनेगी अपनी hexagonal close packing का, उसके ऊपर second hexagonal close packing का layer आप जब रखोगे, तो कैसे रखना है कि first layer जब आप रखोगे, in this type, the second layer of sphere B is placed in the depression of first layer. First layer जैसे आप बनाओगे, first layer के sphere में जो depression है, वहाँ पर आपको second layer रखना है, ठीक है? और second layers के जो depressions आएंगे, उसमें आपको third layer रखना है। So third layer of sphere C is placed again in the depression of second layer B. ठीक है, लेकिन इनके depressions में रखते वक्त ये ध्यान देना है कि यहाँ पर fourth layer जो होगी वही exactly above the first layer जैसी होगी, लेकिन जो कौन सी layer, fourth layer, fourth layer ये आपको first layer जैसे बिल्कुल exactly मिलेगी, लेकिन third layer जो है ये ना A या ना B, मतलब ना first ना second layer से match होगी या align होगी, इस type का यहाँ पर arrangement होगा। ठीक है, so third layer is not exactly aligned with the second and first layer, third layer ये second या first layer से exactly align नहीं होगी। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर ये जो C layer दिख रही है ये ना B के साथ में align हो रही है ना A layers के साथ align हो रही है, तो ये लेयर डिफरेंट होगी। हाँ, इसके बाद अगर फोर्थ लेयर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इधर भी आप इसको एटम बना सकते हो। यहाँ पर देखो, ये जो फोर्थ लेयर है, ये फोर्थ लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के साथ में क्या हो रहा है, अलाइन हो रहा है, लेकिन ये जो थर्ड लेयर है दैट इज सी लेयर, ठीक है, ये कौन सा हुआ, ए इसको बोल सकते हो, बी इसको सी, और ये फोर्थ लेयर ए हो जाएगी। इस तरफ से देखो, ठीक है, यहाँ इस तरफ और अपन स्पीयर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सी लेयर जो है ये एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पर फोर्थ लेयर ये फर्स्ट लेयर से सीधा अलाइन होते हुए दिखाई दे रहा है, बट थर्ड लेयर जो है इसके स्पीयर्स ना ए से मैच करेंगे और ना सी लेयर्स के स्पीयर्स बी लेयर से मैच करेंगे, तो ये जो है ये थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इसी टाइप्स का अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस रिजल्ट इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, कॉपर एंड सिल्वर, तो कॉपर और सिल्वर एक ऐसे मेटल्स है कि जहां पर क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें थर्ड लेयर ये फर्स्ट या सेकंड लेयर से अलाइंड नहीं होगी, ठीक है, मतलब मैच नहीं होगी, फोर्थ लेयर इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं एबीसी एबीसी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, तो जैसे कि अब यहां पर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, इसी लेयर के ऊपर अगर अपन सेकंड लेयर रखते हैं तो वो भी उसी टाइप्स की होगी, एबीसी एबीसी टाइप, फिर थर्ड लेयर रखेंगे तो वो भी उसी टाइप का होगा। इस तरीके से एबीसी एबीसी टाइप्स की लेयर अगर हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में थ्री डायमेंशनली अरेंज करते वक्त हम दो तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, एक होगा हेक्सागोनल
क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर और दूसरा होगा क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और इफिशियंसी यहाँ पर ये जो है एग्जांपल क्यूबिक पैकिंग का कितना है 74%, और खास तौर से मेटल ध्यान में रखना मैग्नीशियम और जिंक, जहाँ पर कॉपर और सिल्वर, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो अपना पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, ठीक है, समझ में आया। चलो थैंक यू।